हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के अंदर वही इसी तरह से आपको सबसे पहले दो नेजल सिलेंडर लेने हैं, जैसा कि अपन रूटीन में करते हैं। एक पे एस मार्क होगा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या क्या मिक्स करना है आपको, और दूसरे पे टी मार्क होगा, ठीक है, जिसमें आपको टेस्ट सॉल्यूशन में क्या क्या ऐड करना है। तो पहले आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाएं, फिर अपन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। और जिस सैंपल की अपन को प्योरिटी चेक करनी है वो हमारा है सोडियम क्लोराइड, जो कि 1 ग्राम लेना है एज पर स्टैंडर्ड सैंपल रेफरेंस, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये टेस्ट सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड कोई भी एक पढ़ते से टेस्ट सॉल्यूशन ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पहले बना रहे हैं अपन। तो स्टैंडर्ड में क्या क्या लेना है, फर्स्ट 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशंस, तो ये हमारे पास में सबसे पहले इसको प्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तैयार कर रहे हैं, इसमें सबसे ये हमारा आयरन सॉल्यूशन जो प्रिपेयर है ऑलरेडी, इसको शेक करके इसमें से आपको पीपीएट से लेंगे और करीब करीब 1 ml हमारे पास बना रहेगा, ठीक है। तो ये 1 ml की पीपीएट है और 1 ml अपन इसमें मेजर करके जो है वो आपका आयरन स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन जो टेस्ट वाले पार्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन ऐड हो गया। नाउ कम टू 40 ml H2O डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करना है। तो ये अपन इस 40 ml इसी मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर लेंगे और 40 ml इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। तो ये 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर है और 40 ml अपन को इसमें, ये आपका 40 ml मेजरमेंट हो गया। तो ये अपन स्टैंडर्ड्स के अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 40 ml, ठीक है। नाउ 40 ml वाटर इज एडेड। उसके बाद में 20% सिट्रिक एसिड, ये मैंने सिट्रिक एसिड बना रखा है, ठीक है। इसको ग्लास वॉल से या स्पेचुला से आप थोड़ा सा स्टीर कर दीजिए। स्टीर करने के बाद इसमें से आपको सिर्फ कितना लेना है, इसके लिए छोटा नेजल सिलेंडर है ये वाला, इसमें से आपको सिर्फ 2 ml मेजर करना है। इसमें अपन 2 ml तक इसको मार्क कर देते हैं, तो देट विल बिकम्स ये आपका 2 ml हो गया, ठीक है। तो 2 ml हमने इसमें नेजल सिलेंडर से ऐड कर दिया, ये आपका मेजर। तो 2 ml आपका सिट्रिक एसिड हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में एड 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, जो कलरिंग एसिड से, तो ये आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड है। तो करीब करीब 0.1 ml मतलब 1-2 ड्रॉप आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, 2 या 3 ड्रॉप आप इसमें ऐड कर दीजिए, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसमें आपने ऐड कर दिया थायोग्लाइकोलिक एसिड। नाउ उसके बाद ऐड अमोनिया। अब इसमें एक स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी अमोनिया, आपको तब तक ऐड करनी है अमोनिया जब तक कि ये सॉल्यूशन बेसिफाई नहीं हो जाए। और इसको एल्कलाइन करने के लिए हमारे पास में ये ब्लू लिटमस पेपर, जो सॉरी इसमें रेड लिटमस पेपर काम में लेना। रेड लिटमस पेपर जो होगा वो अपना आप ही आपका ब्लू हो जाता है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, एल्कलाइन, ठीक है। तो ये यहाँ रख सकते हैं और रख के उसको ग्लास रोड की हेल्प से पहले इसमें थोड़ी थोड़ी अमोनिया मिलाते रहिए, और अमोनिया इसमें जैसे ही आप फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे और उसको स्टीर कर दीजिए, ठीक है। स्टीर करके फिर इसमें से 1 ड्रॉप लीजिए और इस लिटमस पेपर पे रखिए। अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाता है, जैसे मेरा अभी लगभग हल्का सा ब्लू हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो अपन और देख लेते हैं इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल के, बस अल्कलाइन लाइट अल्कलाइन हो जाना चाहिए, और उसको इस तरह से स्टीर कर दीजिए पूरा, ठीक है। स्टीर करने के बाद में उसको वापस से आप इस तरह से 2-3 पीस आप रख लीजिए पास में, और उस पर किसी पर भी आप ड्रॉप गिराइए अपनी, ठीक है। तो इसमें ड्रॉप पहले भेजिए और 1 ड्रॉप ग्लास रोड से साइड में लगाइए। अब देखो लगभग आपका जो है ये लाइट अल्कलाइन हो गया है, तो ये देखिए ब्लू कलर, और फिर भी आपको थोड़ा सा तो ब्लू कलर हो जाएगा, ऐसा लाइट ब्लू करना है तो ये लाइट ब्लू कलर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन रख देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि बेसिफाई कम है, तो आप थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स और ऐड कर दीजिए, मतलब हल्का सा ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका स्टैंडर्ड रेडी हो गया। अब जितना वॉल्यूम इसमें कम पड़ रहा है बेसिफाई करने के बाद में, उसको अप टू 50 ml विद डिस्टिल्ड वाटर, जैसे मैंने आपको कहा था नेजल सिलेंडर में स्टूडेंट्स एक रिंग बनी होती है, उस रिंग तक आप इसको 50 ml वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए। यह आपका तैयार हो गया कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। अब अपन बात करते हैं दूसरा वाला जो हमारे पास कौन सा है, टेस्ट वाला, ठीक है। और रिएजेंट में थायोग्लाइकोलिक एसिड अपन को यूज करना है इसमें, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड, और इसको बेसिफाई पूरा करना है जबकि इसका आपका कलर आ सके, बेसिफाई अपन इसको हल्का सा कर देंगे,
नाउ अब अपन दूसरा टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन में सबसे पहले 1 ग्राम NaCl लेना, तो ये मैंने 1 ग्राम NaCl इस पे वे कर रखा, ये मैंने 1 ग्राम इसमें NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसमें भी सेकंड नंबर पर है 40 ml इसमें वाटर ऐड कर देंगे, तो इसमें आप इसको भी मेजर कर लीजिए इस तरह से, तो ये अपन 40 ml से इसको स्टूडेंट्स मेजर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 40 ml इसमें ऐड कर देंगे अपन, तो ये 40 ml आपका वाटर ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 40 ml एडने के बाद में 2 ml 20% सिट्रिक, वही इसी तरह से सिट्रिक एसिड यूज करना अपन को 2 ml इसमें भी, तो ये सिट्रिक एसिड छोटे नैनो सिलेंडर से मेजर कर लीजिए, तो ये आपका 2 ml अपने इसी को भी क्या करना, बेसिफाई करना है वापस से, इसमें आप थोड़ी सी क्या ऐड कर देंगे अमोनिया सॉल्यूशंस, और अमोनिया सॉल्यूशंस आप इसमें ऐड करते हुए, ठीक है, इसको बेसिफाई कर देंगे। इसमें अमोनिया की कोई लिमिट नहीं, डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन जो स्टूडेंट्स है वो बेसिफाई हो जाना चाहिए। इसको स्टीरर करेंगे, और स्टीरर करने के बाद में इसके ऊपर जो रेड लिटमस है पेपर है वो आपका ब्लू हो जाना चाहिए। इस पर ऐसे ग्लास वॉल से टिक करिए, ये देखिए आपका ब्लू हो गया, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बेसिफाई हो गया है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स इसी बेसिफाई सॉल्यूशंस के अंदर एक दो बार और कंफर्म कर सकते हैं आप ऐसे, तो बेसिफाई होगा, बेसिफाई होने के बाद में आप इसमें अपना रिएक्शन जो है 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड और लास्ट में वॉल्यूम मेकर करते हैं, थायोग्लाइकोलिक की वही फ्यू ड्रॉप्स स्टूडेंट्स इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से थायोग्लाइकोलिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। थायोग्लाइकोलिक एसिड कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देंगे, यस। अब इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड था स्टूडेंट्स, इसमें 2 ml अपन को ये स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन भी ऐड करना है, तो ये आपका फाइनली जो लास्टली जो है वो 2 ml इसके अंदर अपन आयरन ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली 2 ml लेना, ठीक है, ये 2 ml इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आयरन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसमें फाइनली जो है वो 5 मिनट तक अपन इसको स्टीरर करेंगे, होल्ड करिए 5 मिनट के लिए, यस स्टूडेंट्स। तो अपन इसको कंटिन्यू ग्लास रोल से 5 मिनट तक इसको स्टीरर करते रहेंगे, 5 मिनट तक आप इसको, जैसे हमने 5 मिनट कर दिया बीच में पॉज करके, तो 5 मिनट तक कंटिन्यू आप इसको स्टीरर करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको एक पर्पल कलर मिलेगा, फिर इन दोनों पर्पल कलर को स्टूडेंट्स, ये जो पर्पल कलर है इनको हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है, वर्टिकली देखना है। इसमें जो कलर वाले सॉल्यूशन जो होंगे इसके अंदर आप ऐसे पास में लेंगे और उनको किसी पर्टिकुलर वाइट नीचे जो होगा वो वाइट कोई टाइल्स वगैरह रख करके, और उसके अंदर वाइट के अंदर आप ऐसे कंपेयर करेंगे दोनों को, तो आपको जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लगे तो मतलब वो सही। जैसे ही आपका इस साइड मेरे पास में जो लेफ्ट साइड में है वो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है टी लिखा हुआ, और इसके ऊपर आपका ये स्टैंडर्ड हो गया जिस पे एस लिखा हुआ, ठीक है। अब इस कंपेयर करो, देखो जो टेस्ट वाला है ये वाला, इस पे आपका कम आ रहा है, ठीक है, ग्लाइकोलिस का मतलब इसमें आयरन की इम्प्योरिटीज कम है, NaCl सैंपल पास हो जाएगा, और स्टैंडर्ड का जो जितना है उससे हमेशा कंपेयर करेंगे, तो सैंपल का हमेशा स्टैंडर्ड से कम आना चाहिए, तभी जाकर के हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा था लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। अब इसमें किस रिएजेंट ने क्या वर्क किया, तो उसके अंदर आपका सिंपल सा है, ठीक है, 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन है, तो इसमें बेसिकली बेसिक और थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो रिड्यूस फॉर्म में, आप रिड्यूसिंग एजेंट का काम करके आपका रिड्यूस फॉर्म जो पर्पल कलर देगा, इसी तरह से बाकी जो एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करेगा फिर अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा, इस तरह से करके हमारी कंप्लीट जो रिएक्शन होगी वो इस तरह से सैंपल की। तो ये था आपका बच्चों आयरन लिमिट टेस्ट फॉर गिवन सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप एक बार रिकैप कर दीजिए कौन कौन से रिएजेंट्स काम आए, तो वापस रिकैप करिए, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशंस, ठीक है, सबसे पहले रिएजेंट को कंपेयर कर लीजिए सारे, देखो बता देता हूं मैं आपको सारे के सारे, ये आपका, ठीक है, बेसिफाई करने के लिए हमारे पास में देखो एक तो मेन काम आया आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, ये आपका हो जाएगा थायोग्लाइकोलिक एसिड्स, ठीक है, और या सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से जाएगा, और बेसिफाई करने के लिए हमने काम में लिया वो अमोनिया सॉल्यूशंस हो गए,
ठीक है, और ये आपका डिस्टिल्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर के बाद स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन जो एज पर स्टैंडर्ड जो फार्माकोपिया होती है उससे बनाते हैं अपन, जो अलग अलग पीपीएम के होंगे, तो अपने स्टैंडर्ड जो आयरन लिमिट टेस्ट का जो अपने काम में लिया, ठीक है। बाकी आपके ये ग्लास प्लेट्स में स्मॉल इमेजिंग सिलेंडर और लार्ज इमेजिंग सिलेंडर, ये आपकी 1 ml की प्रीपेड हो जाएगी, ये बीकर्स हो जाएंगे आपके जो 100 ml 50 ml, ये आपकी ग्लास ओवर हो जाएगी, और ये आपका स्पैचुला जिसमें एक साइड में फ्लैट होता है, एक साइड में किसी सैंपल को होल्ड करने के लिए होता है, स्टीरर या कोई वेइंग करने के लिए अपन वाटर पेपर को इसको काम में ले सकते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स लिटमस पेपर हो जाएंगे। अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है तो हम बेसिक फाई के लिए रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, और कोई अगर एक्सपेरिमेंट में अगर हमको कोई एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करना है, ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर होते हैं, जो किसी एसिडिफाई सॉल्यूशन के लिए हम इसको रेड ब्लू से रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स सारे के सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, जिससे अपने परफॉर्म। थैंक यू।